नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देवरिया के पत्थरदेवा विधानसभा के ब्लॉक कार्यालय में आज प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे, जहां आज उन्होंने ब्लॉक में नव निर्मित सभागार पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही 3,19,81,000 की परियोजना का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित देवरिया सदर सांसद रामापति राम त्रिपाठी और जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत के बारे में पूछा गया तो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि राकेश टिकैत राजनीतिक दलों के साथ कठपुतली हैं और हमको नहीं लगता कि कभी वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कहेंगे। राकेश टिकैत तो मुझे कभी लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने की उन्होंने कभी अपने जीवन काल में अपील की होगी, और वो अब राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली हैं और उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। उस राजनीतिक एजेंडे को लेकर वो घूम रहे हैं। किसानों का एजेंडा पीछे छूट गया, अब वो किसानों के हितों की बात नहीं कर रहे। राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विरोध करने वाले राजनीतिक लोगों को लाभ कैसे हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। मंत्री जी, सर, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है वो लागू हुआ है? नहीं सर, उसमें केवल जो आरक्षण लागू है उसमें 27% पिछड़े वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, और कुछ जगह ग्राम सभाओं में ट्राइबल के जनजाति के आरक्षण है। मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष ने पत्रकारों पर हमला किया है। मैं मुरादाबाद से ही आता हूँ और बहुत दुखद घटना है मुरादाबाद की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह अराजकता के साथ हमला करना ये बहुत दुखद है। और लेकिन आप लोग जैसे जानते होंगे समाजवादी पार्टी का स्वभाव है पहले से, और व्यक्ति अपना मूल स्वभाव छोड़ता नहीं। अराजकता, गुंडागर्दी, मीडिया पर हमला, ये उनके स्वभाव में है। लेकिन वो अपने को स्वभाव को बदलें भी तो बदलने की स्थिति उनकी नहीं है। जिस प्रकार का उनका कैडर है तो उसमें सब अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं, और हम लोग उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। भाजपा की साजिश बता रहे हैं अखिलेश यादव जो है? नहीं, सारा विषय आप लोगों के संज्ञान में है। समाज देखता है, मीडिया तो समाज का आईना है, और आप सब कुछ सारी चीज़ें ऑनलाइन दिखाते हो तो उसमें मीडिया को अधिकार है प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछे पत्रकारों ने, अब उन पत्रकार उनके एजेंडे के आधार पर, अगर मान लो हमारी एजेंडे के आधार पर आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो किसी के विरोध का थोड़ी एजेंडा फिक्स करेंगे।